हाय गाइस, मैं हूँ सुमित और आप देख रहे हैं सुमित ज्ञान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, amazon.in से एक पैकेज आ रखा है मेरे पास। तो सबसे पहले एक चीज़ मुझे थोड़ा डिसअपॉइंट करती हुई amazon.in की तरफ से, जैसा आप इस पैकेज में देख सकते हैं, यहाँ पे अगर देख सकते हो तो ये फटा हुआ है थोड़ा सा। पता नहीं उन्होंने कैसे इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। आई होप कि बुक सही सलामत हो। और मैं अब अनबॉक्सिंग स्टार्ट करता हूँ। ये रहा कटर, तो ये बिल है और इसे साइड में रख देते हैं। तो ये बहुत अच्छे से पैकिंग कर रखी है इसकी। तो गाइस, अभी मैं इन बुक्स का फर्स्ट लुक आपको देने वाला हूँ। और ये बुक्स, ये बहुत अच्छा लग रहा है वैसे। इसके ऊपर आपको मिल जाता है J.K. रोलिंग हैरी पॉटर कलेक्शन सेट है ये। और इसमें हैरी पॉटर की सातों बुक्स हैं। और इसके अलावा पीछे देखें तो आपको यहाँ पे हॉगवर्ट्स का किला दिख जाता है। उसके अलावा ये बहुत बढ़िया कवर डिज़ाइन है। और अभी मैं इसे खोलता हूँ और फिर आपको एक एक बुक्स दिखाता हूँ। तो गाइज, मैं एक एक करके आपको बुक्स दिखाता हूँ। तो गाइज, ये रही पहली बुक इसकी, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। तो इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे हैग्रिड है, हैरी पॉटर, हरमाइनी और रोन। अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे रिव्यूज दे रखे हैं कुछ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन पेजेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। उसके अलावा ये रहा इसका इंडेक्स। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक हॉगवर्ट्स का पूरा मैप बना हुआ है। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं कि इस एडिशन में थोड़ी नई है। उसके अलावा यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट है। अगर पीछे आते हैं तो यहाँ पे एक आउल बना हुआ है। तो ये रहा सेकंड पार्ट। और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका कवर पेज, ये वो वाला सीन है जब हैरी पॉटर चेंबर ऑफ द सीक्रेट्स में जाता है। और उसके अलावा फिर दोबारा यहाँ पे ये रहा, इसमें भी मैप बना हुआ है। उसके अलावा पीछे फिर ये रहा डॉबी। तो ये रही हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अज़्काबान। तो यहाँ पर वो वाला सीन दिखा रखा है जब हैरी पॉटर सीरियस ब्लैक और अपने आप को बचाता है पेट्रोनस चार्म से। उसके अलावा इस बुक में भी यहाँ पर एक मैप बना हुआ है। उसके अलावा पीछे ये रही नाइट बस। तो यहाँ है फोर्थ पार्ट, हैरी पॉटर इन द गॉबलेट फायर। यहाँ पे वो वाला सीन दिखा रखा है जब हैरी पॉटर अपना फर्स्ट टास्क पूरा करने के लिए ड्रैगन का अंडा लेने जाता है। पेजेस काफ़ी अच्छे हैं इसके और मैप बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रायो दिखा रखा है पीछे। तो यहाँ पे हैरी पॉटर एंड द ऑर्डर ऑफ द फीनिक्स। और यहाँ पे वो वाला सीन दिखा रखा है जब हैरी और उसके दोस्त मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक में जाते हैं सीरियस ब्लैक को बचाने। इसमें भी पहले वाली बुक की तरह ही रिव्यूज़ दे रखे हैं पहले, और उसके बाद इंडेक्स, और ये रहा इसका मैप। उसके बाद पीछे आते हैं तो यहाँ पे सेवरस स्नेप है, द पोशन मास्टर। ये रहा इसका सिक्स्थ पार्ट, हैरी पॉटर एंड द हाफ ब्लड प्रिंस। तो इसमें एकदम एंड का सीन दिखा रखा है जब हैरी पॉटर और डंबलडोर हॉरक्रक्स ढूंढने जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे भी हैरी पॉटर के सारे बुक्स के बारे में लिखा हुआ है, रिव्यूज के बारे में, और ये रहा मैप। उसके बाद पीछे आते हैं तो यहाँ पे ड्रेको मैलफॉय है। तो ये रही आखिरी बुक, हैरी पॉटर एंड द डेथली हैलोस। तो यहाँ पे एंड का सीन दिखा रखा है, हैरी पॉटर मरने के लिए जाता है वोल्डेमॉर्ट के पास। काफ़ी अच्छे पेजेस हैं इसके भी। और ये रहा इसके कंटेंट्स, ये रहा मैप। और पीछे वो वाला सीन दिखा रखा है जब हैग्रिड हैरी पॉटर को बचा के ले जाता है रॉन के घर। बस ये थी हैरी पॉटर की कलेक्शन सेट की अनबॉक्सिंग। आपको मैं बता दूं कि ऐसे मैं आगे बुक्स के बारे में वीडियोस बनाता रहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।